हरियाणा में भाजपा ने कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से जिंदल स्टील एंड पावर के चेयरमैन नवीन जिंदल को टिकट दे दी है। बता दें कि नवीन जिंदल इस सीट से दो बार कांग्रेस के टिकट पर जीतकर सांसद बने थे। वर्ष 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में नवीन जिंदल और उसी साल हुए विधानसभा चुनाव में उनकी माता सावित्री जिंदल हार गई। इसके बाद जिंदल परिवार राजनीति की सुर्खियों में कभी नहीं आया, लेकिन अब 10 साल बाद फिर जिंदल परिवार राजनीति में वापसी कर रहा है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि जिस कोयला घोटाले के नाम आने पर भाजपा की घेराबंदी से नवीन जिंदल चुनाव हारे थे, अब उसी पार्टी के टिकट पर सांसद का चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। बता दें कि 2009 से 2014 के बीच पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में हुए कोयला घोटाले को लेकर 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने न केवल यूपीए सरकार को घेरा था, बल्कि जिंदल को भी कटघरे में खड़ा किया था। इसके कारण ही नवीन जिंदल भाजपा प्रत्याशी राजकुमार सैनी से बड़े मार्जिन से हारे थे। वहीं बता दें कि जिंदल परिवार का कुरुक्षेत्र सीट पर हमेशा से दबदबा रहा है। नवीन जिंदल के पिता ओपी जिंदल भी कुरुक्षेत्र से सांसद रह चुके हैं। नवीन जिंदल के पिता ओम प्रकाश जिंदल ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत कांग्रेस से ही की थी। वर्ष 1991 में अपना पहला विधानसभा चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय भजन लाल से मतभेद के चलते 1996 में कांग्रेस को छोड़ दिया और फिर पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय बंसी लाल की हरियाणा विकास पार्टी की टिकट पर कुरुक्षेत्र से लोकसभा का चुनाव लड़कर सांसद बने। हालांकि वर्ष 2000 में जिंदल ने फिर से कांग्रेस में वापसी की। 2004 के चुनाव में ओपी जिंदल ने खुद लड़ने की बजाय अपने बेटे नवीन जिंदल को कुरुक्षेत्र से लोकसभा का चुनाव लड़वाया और नवीन जिंदल अपना पहला चुनाव ही जीत गए, जबकि उसी साल हुए विधानसभा चुनाव में ओपी जिंदल ने खुद हिसार सीट से चुनाव लड़ा। ओपी जिंदल भी ये चुनाव जीत गए और प्रदेश में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व वाली सरकार में उन्हें ऊर्जा मंत्री का पद भी मिला। मंत्री बनने के एक महीने बाद ही 31 मार्च 2005 को ओपी जिंदल की हेलीकॉप्टर क्रैश होने की वजह से उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में मौत हो गई थी। उस वक्त जिंदल के साथ हेलीकॉप्टर में तत्कालीन कृषि मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय बंसीलाल के बेटे सुरेंद्र सिंह पवार भी सवार थे। हादसे में सुरेंद्र सिंह का भी निधन हो गया था। इसके बाद 2005 में हिसार सीट पर उपचुनाव हुए और यहां से कांग्रेस ने ओपी जिंदल की पत्नी सावित्री जिंदल को चुनाव लड़वाया और वह भी जीत गई। वर्ष 2009 में लोकसभा चुनाव में कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल फिर से कांग्रेस की टिकट पर सांसद बने और सावित्री जिंदल हिसार सीट से विधायक चुनी गई। दूसरे टर्म में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने मंत्रिमंडल में सावित्री जिंदल को शामिल भी किया। वर्ष 2014 में मिली हार के बाद जिंदल परिवार ने सक्रिय राजनीति से दूरी बना ली। 2019 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में जिंदल परिवार की तरफ से कोई भी सदस्य चुनावी मैदान में नहीं उतरा, लेकिन इस लोकसभा चुनाव 2024 में नवीन जिंदल ने भाजपा में शामिल होकर सभी को झटका दे दिया है। नवीन जिंदल न केवल भाजपा में शामिल हुए, बल्कि पार्टी हाईकमान ने उन्हें कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से टिकट देकर उन पर अपना विश्वास भी जताया है। अब देखना ये होगा कि नवीन जिंदल इस बार कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से जीत हासिल करते हैं या उन्हें इस बार हार का सामना करना पड़ेगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि कुरुक्षेत्र के रण में जहां इनेलो से अभय सिंह चौटाला मैदान में है, वहीं कांग्रेस आपके प्रत्याशी सुशील गुप्ता भी कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। अब देखना ये होगा कि कुरुक्षेत्र के रण में भाजपा, इनेलो, कांग्रेस और आप में से कौन जीत हासिल करता है।